हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील मौर्य। टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्क्वायर, ठीक है, इन मैथमेटिक्स। आज हम मैथ में क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर क्या है इसको जान लेते हैं, ठीक है। आई स्क्वायर इज अ फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स। स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जो फोर लाइन सेगमेंट से बना होता है, एंड ईच लाइन सेगमेंट हैविंग सेम मेजरमेंट। स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जो आपके फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, और ईच लाइन सेगमेंट हैविंग द इक्वल मेजरमेंट, और हर लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट इक्वल होती है। सपोज दैट आपका ये ए बी सी एंड ई इज ए स्क्वायर। क्या है आपका, ये स्क्वायर है, ठीक है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसमें आपकी ईच साइड विल बी सेम, ठीक है। सपोज दैट एक साइड की मेजरमेंट कितना है, ए सेंटीमीटर, तो दूसरे की भी ये होगी, तीसरे की भी, और चौथे साइड की भी मेजरमेंट ए सेंटीमीटर ही होगी। मतलब फोर साइड्स आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फार्मूला जानेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फोर इंटू साइड, ठीक है। कैसे, पेरीमीटर क्या होता है, फोर साइड की मेजरमेंट होती है आपका, चारों साइड का आपकी मेजरमेंट होती है। तो इसमें चार साइड हैं, तो फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक साइड की आपके लेंथ की वैल्यू रख दिया, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू साइड। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, एरिया। चलिए यहीं से हमें अगर पेरीमीटर दिया हुआ हो तो साइड की लेंथ कैसे निकालते हैं ये पता कर लेते हैं। साइड इक्वल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू, साइड चाहिए तो पेरीमीटर अपॉन फोर कर देंगे, ठीक है। पेरीमीटर अपॉन फोर, ठीक। अगर पेरीमीटर दिया है और साइड चाहिए स्क्वायर का, तो पेरीमीटर अपॉन फोर कर देंगे। नाउ एरिया, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड पावर टू, साइड इंटू साइड, साइड पावर टू, ठीक है, साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमारा स्क्वायर का क्या निकल गया, साइड इंटू साइड, दैट इज साइड पावर टू, ठीक है। अगर हमें एरिया दिया है और साइड निकालना है तो क्या करेंगे, साइड इक्वल टू एरिया अपान, एरिया अपॉन, सॉरी एरिया का स्क्वायर रूट, साइड ऑफ अ, साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, ओके। अगर हमें एरिया दिया है, अगर हमें एरिया दिया है तो उसकी साइड निकालना है, तो स्क्वायर रूट कर देंगे एरिया का, ओके। नाउ वी विल टेक एग्जांपल्स टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। सपोज दैट वी हैव टेकन एग्जाम्पल, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज फोर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी क्या साइड कितनी है,
4 सेंटीमीटर, उसका हमें पेरीमीटर निकालना है। सपोज दैट ये स्क्वायर है आपका, ठीक है, सपोज दैट ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर है, जिसकी हर साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी ईच साइड 4 सेंटीमीटर है, उसे का हमें पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4×4=16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ये फार्मूले वाला 4 है, ये साइड की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर है, 4×4=16, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना होगा, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड आपके कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड 4 सेंटीमीटर है, इंटू 4, ठीक है, 4×4=16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकल गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सपोज दैट हमें आपका साइड निकालना होता, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, फाइंड साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने एक प्रॉब्लम आ गया यहां पे, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये पता है कि एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर को, साइड स्क्वायर को इधर लाएंगे, ठीक है, इक्वल टू एरिया हो गया, है ना, साइड इक्वल टू स्क्वायर हटा इधर, स्क्वायर रूट ऑफ लग गया एरिया, ठीक है। तो साइड कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, मैं इसको पहले ही बता चुका हूं आपको। तो साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 16 को आप फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4×4=16, भाई 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 सेंटीमीटर पावर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ओके। हमें यह पता है अगर कोई चीज स्क्वायर रूट के बाहर करते हैं कोई डिजिट, तो दो दो का पेयर में से एक उतारते हैं, 4 सेंटीमीटर आ गया। साइड कितनी आ गई आपकी स्क्वायर की, 4 सेंटीमीटर।